अनुगुल जिल्लार तालचेर ठारे रहिथिबा टीएफएल प्लांट बा तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड को दिनिकिया ग्रस्त करिसेंती दुई केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और मनसुख मांडवीय। सार कारखानार अग्रगति संक्रांत में समीक्षा सह प्लांट परिदर्शन नहीं टीएफएल गस्तर आसी केन्द्र सरकार दुई कैबिनेट मंत्री केन्द्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और सार विभाग मंत्री मनसुख मांडवीय और केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान निर्धारित समय उभय मंत्री दिन प्राय 11 समय तालचेर स्थित एफसीआई सीआईएसएफ पड़िया हेलिकॉप्टर रे भुवनेश्वर आसी अवतरण करिया परे सेठारु टीएफएल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग परिसर रे वृक्षारोपण कार्य रे जोगदेवा परे उभय मंत्री विभागीय अधिकारी मानक उपस्थिति रे विस्तृत भाव निर्माणधीन प्लांट कार्य अग्रगति प्रत्यक्ष भाव बुली देखिले। यहाँ पर उभय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और विभागीय मंत्री मनसुख मांडवीय टीएफएल रो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग परिसर रे थिबा प्लांट कार्य समीक्षा करिया सह प्लांट कर्तृपक्ष आलोचना करिथिले। प्रस्तावित तालचेर सार कारखाना रो पुनरुद्धार एबे प्रक्रिया चलता बेले 2024 पूर्व निर्माण हेबो टीएफएल प्लांट। एही कारखानारु वार्षिक 12.7 मेट्रिक टन यूरिया सार उत्पादन करबाकु लक्ष्य रखा जायछि। एथिपई 13,277 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि। केन्द्र में देश के सामान्य लोग और गरीब होते हैं। उड़ान योजना आरसीएस योजना ऐसे ही एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में घूम सकते हैं। यह मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये बात सिर्फ नारा नहीं है, ये काम भी है। आज उड़ीसा की राजधानी राउरकेला से भुवनेश्वर से शिल्प की राजधानी राउरकेला तक विमान एलेन शेयर की उड़ा के मोदी जी ने उसको सिद्ध किया। आत्मनिर्भर भारत एनर्जी सेक्टर में करने के लिए देश का सबसे बड़ा और पहला कोल गैसिफिकेशन बेज यूरिया प्लांट का काम चल रहा है। काम आने वाले दिनों में गति से चले, देश यूरिया सेक्टर में आत्मनिर्भर बने, देश की अपनी संपदा ऐसे कोल उसका ही उपयोग करके उसमें से गैस का निर्माण करके यूरिया बनाया जाए, उस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जी ने तालचेर में कोल गैसिफिकेशन प्लांट का शिलान्यास किया था। काम गति से चल रहा है और अक्टूबर 2024 के पहले ये देश को समर्पित हो जाएंगे। कोल गैसिफिकेशन प्लांट से देश को फायदा ये होगा कि देश में पर्याप्त मात्रा में देश की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए और गैस को अलग अलग इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करने के लिए अनेक प्रोजेक्ट देश में चल रहे हैं। उसमें से ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो गैस कोल टू गैस, गैस टू यूरिया और यूरिया टू किसान, यानी कि हमारे किसानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी यूरिया की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। अनुगुल अमूल्य कुमार साहू का रिपोर्ट, कामएफ टीवी।